गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हमारे शादी की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं फाइनली करने वाली हूँ पैकिंग, क्योंकि कल हमें जाना है। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास ना कौन सी डेट को जा रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, हम जा रहे हैं 27 को। मैं, ऋषभ के पापा और मेरे देवर सा, देवरानी जी, मम्मी पापा, हम सब 27 को जाएंगे और 26 को ज्योति भाई सा आ चुके हैं। और आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग। मैंने 1% भी पैकिंग नहीं की है, तो आज फाइनली मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं कितनी पोशाक लेके जाने वाली हूँ, क्या लेके जाने वाली हूँ, कौन सी लेके जाने वाली हूँ, अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं किया मैंने। तो अभी मैं खोलने वाली हूँ बेड, और बेड में से सबसे पहले मैं प्योर की जो पोशाकें होती है वो निकालूंगी और एक प्योर का सूट ले लूंगी। तो देखते हैं कौन सी लेके जा रही हूँ, वो सारी चीजें आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। और मैं बता देती हूँ आपको पैकिंग में मैं क्या क्या लेके जाऊंगी। सेम पोशाक की जैसी अगर चूड़ियां वगैरह नहीं है तो वो भी मैं आज शॉपिंग करके ले आऊंगी। तो आज पैकिंग कर लेती हूँ और पता भी चल जाएगा मुझे क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो ये रहेगा मेरा बैग जो कि काफी बड़ा सारा है। ये देखो, मेरे और ऋषभ के पापा के दोनों के कपड़े आ जाएंगे इसमें। एक में नहीं करना होता, इसको ऐसे ऊपर कर दो। मतलब अपन को है ना सेकंड पर्सन की है ना जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे वाले बेड में। नहीं तो एक आदमी है ना इस गद्दे को उठा के रखो और एक आदमी ऐसे चक्री में, फिर एक आदमी निकाल रहे हैं। कदा कदा भी पड़ भी जाए ऊपर। पढ़ तो कर जाओ यार, पढ़ तो एक बार भी गुनी पूजा ने जुटाया। देखती हूँ कौन कौन सी पोशाक लेती हूँ मैं। ये वाला सूट भी अच्छा लगता है मुझे, पर मैंने काफी बार पहन लिया यार, अब नहीं पहनूंगी। हाँ ये वाला सूट ले लेती हूँ एक, तो ऑप्शनल। और पोशाक में ये पोशाक तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। हाँ एक पोशाक में ये ले लेती हूँ। ये देखो गाइस, वो मैं दिखती हूँ कौन सी ब्लू, एक ये ब्लू ले लेती हूँ यार, काफी दिन हो गए इनको इसको पहने में। एक ये ब्लू कलर वाली लेती हूँ मैं, दो हो गई और दो और निकालनी है मुझे। यस माय फेवरेट, ये वाली लूंगी मैं अब से एक, है ना अच्छी लगेगी पूजा। एक ये येलो वाली ले लेती हूँ, और कलर अच्छे है ना। बोतल नहीं, एक पोशाक बोली क्यों, चार पोशाक कर दे रहे। एक तो रामा कलर की पहनूंगी, वो मैं पहनूंगी महिला संगीत में, और ये पर्पल कलर वाली शादी की, और एक है ना भात में पहनूंगी। ऑप्शन तो होना चाहिए ना पूजा, बठवाद में बचना क्या करूंगी। रामा कलर वाली है पहन लीजिए। एक तो है ना शादी का माइन है ना, बहुत परेशानी हो जाए, और ले जाओ और वो ले जाओ और नहीं पहन लीजिए ना पूजा, जब भी परेशानी होगी अल्लाह आप गीजर ले आया तो ही पैर कौन चप रहे। तू तो पैर पूरा लीजिए। हाँ ये पूजा ने सही बोला, मैं पैर पार तो लूंगी, मैं एक भी खोल छोड़ू और एक जाऊंगी ना तब। एक बार सीमा जीजा की शादी थी चिराना में, तो हर 10 मिनट में जीजा से बोले मैं जी नींद की झपकी लियो एड्रेस चेंज कर ले, मैं जी नींद की झपकी लियो दूसरी पोशाक पहन ले। जब ब्लॉग नहीं बनाती एक्सपर्ट नहीं, बिना ब्लॉग भी मैं ना, मेरे को सजने संवरने का बहुत शौक था था मतलब आजकल तो मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिया ब्लॉगिंग के चक्कर में। अच्छा एक और ले ले, एक नाइट सूट भी लेना पड़ती पूजा, कॉटन भी लेना पड़ती है, तो पर मेरा में भर जाए सीरी चला पापा किसी को क्या कर दियो, तो मैं क्या मंगा लू। एक और रे वा झिझट लुगाइन कत्ती चीजें चाहिए आदमी के चाहिए, शर्ट ले ली एक पेंट के ऊपर 5 तो शर्ट पहन ले। अपन ड्रामा कलर की कौन मिल रही बा खटाऊ दो मैं, लालती ले ले लालती बोलू आई है लालती कत्ती करू पेर पेर के गाड़ ली मैं लालती कत्ती पेर ली मेरी जितनी है ना, मैंने जितनी है ना रेड कलर वाली पोशाक पहनी है ना गाइस किसी ने भी नहीं पहनी होगी, कम से कम मैंने 8 साल में इसको 50 से 60 बार पहन ली। कद पहन ली क्यों, इन तीज पर मैं पहन लू, इन गणगौर पर मैं ही पहन लू, हर जगह मैं ही पहनू तो और कौन पहन सी मतलब कोई नहीं पहनता ना, बस एक बार ही पहनता। जैसे नीतसा ने, नीतसा को मैंने रात को ये बोला था कि नीतू आप ना रेड कलर वाली है ना पोशाक पहन लेना, कि नहीं भाभी सा रेड कलर की पोशाक कौन पहनू यार, देख मामा है ना सूट तो दे दे वे पचाना ने सिलाबा में और जोर आवे
सिला सिला रही दे देना मामा सही रहे। अच्छा अब ये वाला सूट है ना, अगर आज सिला हुआ होता तो मैं पहन के जाती। अच्छा लगता ना? हाँ अच्छा लगता। ये देख मामी साथ तो मम्मी 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 ने बोल रही है कि तू सिलार दीजो अब कल। मम्मी बोल रही हूँ मम्मी सिलार दिया करो, देखो थकी बेटी बिना सिलाए पड़े रहे पचो और पचो दे पचो कोई कर चल जाओगे। और ये वाले मामी सा ने दिया था मुझे सूट, ये वाला भी नहीं सिला, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सिला के दे दें तो पहले वो आदमी बिना सिलाए क्यों पेरी दे यार पूजा। चलो एक सूट निकाल लेती हूँ, ये नीतू जीजा को देऊंगी, अच्छा लगेगा ना। ये वाला सूट नीतू जीजा के जाऊंगी ना, नीतू जीजा को देंगे। येलो गाइस नीतू जीजा कौन है मैं बता देती हूँ आपको, मेरे जो मामे ससुर जी है ना उनके बाईसा हुकुम है जो कि अजमेर रहते हैं, वो भी शादी में आएंगे तो उनके लिए भी मैंने बेस निकाला है। लड़की पागल है पागल है पागल है, बंद कर दी हूँ पूछने के पूछ जाए सोचे बंद कर देना तो मैं मेरा टीवी का भी देखू। पूजली पाजली मना की अगर पूजली वो को नहीं आगी पूजली भाई देखे करेगा आजकल ब्यावन है पूजा 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 ये तीन बार तो बोला है अभी तक नहीं है हमेशा ये करूँ पूजा 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 बोलू ना सुना को नहीं। गाइस मैं आपको भी बताती हूँ ये इसको ना मैं जब भी ना पूजा 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 बोलती हूँ ना तो ये ना सुनती भी नहीं है, सच बता रही हूँ बिल्कुल नहीं सुनती। और मैं उन्हें ए पूजली जता है ना पूजा आप भागी दौड़ी भागती भागती। चलो गाइस मेरे पिटारा को ले लेती हूँ मैं और चलते तो गाइस आपने इधर ही देख ली पैकिंग, अब तो क्या देखोगे उधर जाके। पूजा गाइस ऐसे सोच रही है इतना बड़ा बैग में तो आदमी आ जाए। कलर वाली पोशाक है जो कि मैं पहनने वाली हूँ महिला संगीत में, आपको फेवरेट पोशाक दिखा ना। हाँ ये तो गाइस मैं बता देती हूँ ये पोशाक पहनने के लिए किसी को नहीं देती। नहीं पोशाक पहनने के लिए मैं किसी को नहीं देती, क्यों नहीं देती हमारे पीछे एक रीजन भी है जिसका मैं आपको आपको भी बता देती हूँ गाइस। हमारे क्या गुड़गांव माता दुखते हैं तो चक्कर में मेरे सासू माँ से बोलते हैं कि है ना पोशाक है ना मतलब अपनी पोशाक है ना किसी को नहीं देनी चाहिए किसी की। और ये वाली पोशाक जो कि मेरी भी फेवरेट है और ये मेरी जो सेकंड पोशाक है ऑप्शनल है, इसको पहनेंगे तो पहनेंगे नहीं पहनेंगे तो भी कोई बात नहीं। और ये रामा कलर वाली यार ये पता है लाइट कलर का ये रामा कलर है क्यों? ये पीच कलर सॉरी पीच कलर है यार पता है ना ये मैंने बस वही प्रॉब्लम लगी मैंने इन लाइट कलर करवाबा की है ना ये पता है एक बार पहनता नहीं थी गंदी हो जाओ नीचो ये चक्कर में मैं ये फोन ले लू लाइट कलर इसीलिए गाइस मेरे पास डार्क ही डार्क कलर मिलते हैं आपको। मेरे पास कमेंट भी आए थे पोशाक वाली उस ब्लॉग में कि है ना आप है ना लाइट कलर नहीं पहनते डार्क ही डार्क पहनते हो, इस चक्कर में नहीं पहनती यार सही में मेरे तो इनमें ही ना उड़े जैसे तगड़ा कपड़े अठिन रही चलो पापा जैसी कोई टाबर जैसी तो टाबर हो जैसी। तो आपको बता देती हूँ फिरती से ज्यादा कपड़े चीजों सा लेंगे। सही कह रही है एक दिन के चार ड्रेस चेंज करते चार सूट में डाल लेती हूँ कॉटन का, एक तो ये वाला डाल लेती हूँ ऐसा क्यों पूजा आलूगड़ी आलूगड़ी भी प्योर अड़ा की है थोड़ी देर में परेशान हो ये वाला मैं पहन के जाने वाली तो ये सूट भी डाल लिए अब इमी ज्वेलरी डाल ले ज्वेलरी मेकअप और तो बोलो डाल दो चीजें अठिन एक साइड कर ले थोड़ी सी जगह की। और जो कॉटन की सूट थी उसकी पैकिंग कर ली है, अब मुझे पैकिंग करनी है ज्वेलरी की और क्या बोलते हैं इसको चूड़ियों की। तो एक तो ये वाला सेट लेके जा रही हूँ मैं जो कि मैं आपको भी दिखा देती हूँ, इसके इयररिंग्स ये वाले हैं ये देखो ठीक है और ये इसका मांग टिक्का है और ये इसकी सीज फूल है। एक सेट हो गया, तीन सेट लेके जाऊंगी मैं एक ही। अब जो मेरा सेकंड सेट है वो दिखाती हूँ आपको, ये चोकर टाइप है ठीक है इसको भी इसी में डाल लेती हूँ और ये इसके इयररिंग्स है गाइस ठीक है झुमके झुमके ले जा रही ये टिक्का भी मैं ले लेती हूँ, ये वाली रिंग भी लूंगी मैं ये भी मुझे अच्छी लगती है। ये तो प्रीति मेरे को देगी तेरे को क्यों दूंगी क्यों देखो देखो आ ऐसी है लालची बाण
नहीं नहीं आप माइंड मत करना, ये बहुत अच्छी है, दिल की साफ है, पक्का देगी। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सेट, एक ये लेके जा रही हूँ मैं, ठीक है। और इसके इयररिंग्स कहाँ हैं, ये रहे, ये इसके इयररिंग्स है, ठीक है गाइस। आधी झुमकी है ये, आधी झुमकी है। तेरा आधी क्यों करी हो? क्योंकि थोड़ी हेवी नहीं हो, हेवी नहीं हो, बचत कर ली इसमें, कानों में हेवी नहीं हो। अच्छा कान हैवी नहीं हो अपने, आगे से झुमकी लगी और पीछे से। और जो इस सेट का मैंने आपको दिखाया था ना एंटिक वाला, ये देखो इस सेट का जो है इयररिंग्स वो है ये वाले, ये देखो आपको दिखा देती हूँ, अच्छे लग रहे हैं ना। इसके साथ एंटिक कड़े भी है, वो भी दिखा दो। और ये वाला मैं सेट पहन के जाऊँगी, कॉटन का जो मैं सूट पहन के जाऊँगी ना उसमें, तो इसको तो मैं बाहर ही रहने देती हूँ। यार मुझे कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, ये चिक पहन के जाऊँ या फिर चिक, पता है इसके इयररिंग्स ये है, चिक पहन के जाऊँ अच्छा लगेगा। हाँ ये देखो गाइज, ये पहन के जाऊँ या फिर मैं ये पहन के जाऊँ, आप बताओ मुझे। गाइज थोड़ी बता सी जी ध्यान तो पेड़ चली जाए। नहीं नहीं वो वीडियो अभी आ जैसी ऊपर कर गर्दन, ये देखो दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी पहन ले, दोनों ले जा। नहीं लेके तो दोनों ही जाऊंगी, पहन के क्या जाऊँ, कॉटन के सूटों पे पता है थोड़ा सा ना लाइट वेट ही अच्छा लगता है, तो ये मैं कॉटन। हाँ गाइज आप है ना मुझे कमेंट में बता देना, मैं वो ही पहन के चली जाऊंगी क्योंकि मेरे को जाना है कल, 27 कल है, और ये व्लॉग मैंने आपको आज ही दे दिया। तो कमेंट जरूर करना, चोकर पहनना है या फिर नहीं। वैसे तो ये देख, ये तो चिक है और ये पता नहीं क्या है, चोकर, चोकर। इन दोनों में से आप मुझे बताना कि चोकर पहन के जाऊं या फिर चिक पहन के जाऊं, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इसीलिए मैंने आज वाला ये जो व्लॉग है ना वो आज दिया है, जिसमें आप है ना मुझे ये भी बता दोगे कि भाई ये वाली पोशाक है ना भाभी सा या फिर जीजा ये अच्छी नहीं लग रही, ये वाली पोशाक ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको जो भी समझ में आया ना तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो आप। कद बनवा ले रही, एक पुआर ले रही हूँ, ये देख अच्छी लग रही ना, कद पुआ ले, अरे मैं कद ही पुआ ले। फाइनली ये तो पैकिंग कर ली है ज्वेलरी की, ऊपर ये लगा देती हूँ टिश्यू पेपर, और मैंने नथ कौन कौन सी लिए, तीन नथ लिए, पर मेरे को नथ की चेन नहीं मिल रही, तो मुझे एक बार महागणपति ज्वेलर्स जाना पड़ेगा। ये देखो एक तो ये, एक ये वाली ली है मैंने, एंड एक ये वाली ली है मैंने, बेसर नहीं लिया यार, बेसर मुझे मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैंने जो छोड़ो, अब थोड़ी सी पैकिंग कर लेती हूँ मैं। भाई जो जो सामान मेरे काम आएगा ना उसमें मेकअप में, वो ले रही हूँ मैं। वैसे सीरियसली मुझे ना मेकअप करना नहीं आता, बट थोड़ा बहुत ट्राई कर लेंगे हम, और हमारे के राजपूतों में मेकअप नहीं किया जाता शादियों में, वैसे तो इवेंट में तो कंपलसरी हो जाता है, बट शादी में कोई नहीं करता, तो घर पे ही करेंगे। तो इनमें से मैं जो जो सामान मुझे समझ में आ रहा है वो ले लेती हूँ। ये प्राइमर ले रही हूँ, ये मेकअप रिमूवर ले रही हूँ, मेकअप फिक्सर भी ले रही हूँ, ये तो काम आ जाएंगे, और ये क्या है, काजल है, काजल मैं कभी लगाती नहीं, काजल तो मैं कभी नहीं लगाती, ये मस्कारा चस्कारा ये भी नहीं लगाती, लगाती नहीं हो पर ले लेती हूँ, और कोई काम आ जाएगा। ये है लिपस्टिक की वो लाइनर वाली, ये भी ले लेती हूँ, फाउंडेशन ले लेती हूँ, ये कंसीलर है ये ले लेती हूँ, और क्या लूँ, और तो बस हो गया एक, ये भी ले लेती हूँ काम आ जाएगा। लिपस्टिक, हाँ यार लिपस्टिक भी लेनी ना यार, मेरे पता है बच्चे हैं ना क्या हालत कर देते लिपस्टिक की, मैं बताती हूँ, एक ये मैंने एक बार भी नहीं लगाई, ये शुगर की लिपस्टिक थी, और मैं दिखाती हूँ आपको इसकी हालत, देखो मेरी जो किशू है ना उसके हाथ लगते ही पता है क्या करती है, अंगुली डाल डाल के ऐसे लभरती है, अंगुली डाल डाल के जैसे कोई घी निकाल रही हूँ। ये खराब हो गई, इसको फेंकूंगी। ये क्या है, लाइनर भी लें क्या, हम काजल यूज नहीं करते कभी भी, काजल मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं कि भाई साहब है ना काजल यूज़ किया करो, पर उन्हें पता है क्या है, मेरे को ऐसा लगता है यार मैं काजल में अच्छी नहीं लगती, सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो सही लगता है काजल, बट है ना सेकेंड डे अजीब सा हो जाता है फेस, बस इतना सामान नहीं लूँगी ये सा। ओहो ये भी लूँ क्या,
क्या बोलते है? चल बता। इसको बोलते हैं आई मेकअप। इतो तो आओ लगे मन आई है आई शेडो शायद मन भी कौन पता। नहीं इसमें पता क्या है आई शेडो ये है ना। हाँ ये आई शेडो है, ये ले लीजिए। और ये वाला वो है ब्लश। मन सबसे गंदा हाईलाइटर। नाक को हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ से हाईलाइट कर ये है गाइस हाईलाइटर। सी लगा लेगा थेतर लेगा भी रात ने मेकअप। तो गाइस मुझे ना रात का मेकअप करना अच्छा लगता है, बताऊं क्यों? उसके पीछे ये रीजन है कि कैसा ही थेतड़ो लाइट रात में पता का मेकअप तो लाइट में पता ही नहीं चलता कैसे करके आई है। तो इतना सामान मैंने ले। अब मन चूड़िया और पैक करनी है पूजा ठीक है। माइन और मन थोड़ा सा इन्हें एडवाइस दे दे। चूड़िया दिखावांगा थाने पोशाक के ऊपर ही। अभी कौन दिखाओ? पूजा पूजा इंटरेस्टेड को नहीं चूड़ी ले। ओ एक लच और ले लू, ज्यादा सामान बोल लू मम्मी ना। एक लच में कुछ गाल ले ली तो आज को नहीं खाली घुमाओगी टिन की टिन। बावली बात तक रहेगी पक्का। देख लीजिए चाहे मैसेज कर बोल दीजिए, इसको ओपन करके दिखाओ इसमें क्या रखते हो आप। एक तो ये वाला चूड़ा ले लेती हूँ जिसके आगे मैं कोई सा भी जोड़ा लगा सकती हूँ। व्हाइट है ना? ओन है? नहीं नहीं ओ ऊपर ही ऊपर ओ बीच में ना व्हाइट। हाँ एक कठिन व्हाइट। हाँ ओ और एक रेड। वो भी अच्छा लग रहा है। रेड ही मुझे लिपस्टिक पसंद है गाइस। आजकल मैंने ये न्यूड कलर स्टार्ट किया है। प्रीति के पिंपल्स दिखाती हूँ देखो पास से। मेकअप करने के बाद में दिखते नहीं है ये, तो आज आपको पास से दिखाती हूँ। नहीं गाइस एक ही है ये पिंपल जो कि हो गया। ये इधर देखो प्रीति की फोटो दिखाती हूँ आपको। ये मेरे को मिली थी वो रंग राजस्थान डांडिया नाइट में। ये बात समझ डांडिया आवे तो एक इधर डांडिया में क्या करना है? ढोले बाजे ढोले बाजे। तो गाइस बता दो लेना पड़ेगा मुझे। ले ले एक दो निकाल फटाफट खत्म कर ब्लॉग को। तो चूड़े की पैकिंग हो गई है जो आपको हम पोशाक के ऊपर दिखाएंगे बाद में। हाँ गाइस चूड़े की पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट। अब बस वो तो क्या ही दिखाऊंगी। अब थोड़ा बहुत तो मेरा पहले बाद में भी देख जो। हाँ पहली पूरो रिवील कर दे। हाँ यार पहली पूरो रिवील कर दे के कशिया थोड़ा घणो तो गाइस थाने बाद में भी देखना पड़सी। बस आगे के देख सो ब्याह कमाई। पहली देख लिया ये पोशाक लेर गया है के लेर गया पहली दिखा दी तू। तो हम जो लेके जा रहे हैं वो नहीं पहनेंगे, हम दूसरी पहनेंगे। जल्दी सी निकल जो शांति से बैठे मस्त टीवी देख। छोड़ के मामी से रिसीत देख। छोड़ के मामी से तो फुल एंटरटेनमेंट है, टीवी की जरूरत को नहीं। हाँ ये छोड़ के मामी से मेरे बहुत अच्छे हैं आपको भी पता ही है, मतलब एंटरटेनमेंट बहुत देते हैं वो। हाँ मामी से चुप ही नहीं रहते। मामी से बोलते हैं मामी से पूछ ले व्लॉगिंग स्टार्ट कर देना है तो मम्मी कसम मैं बता रही हूँ कि सगड़ा ना हंस के लोटपोट हो जाए छोड़ के मामी से अगर स्टार्ट कर देते। उनकी झूठी है ना, उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। स्क्रिप्ट उनके माइंड में 24 घंटे रहती है। सही कह रही है। और बस है ना पब्लिक ने कहीं को दिखाना है? नानी नानी ने और मामी सन दिखाना है। सास बहू की जोड़ी चैनल का नाम। चैनल का नाम सास बहू की नोक जोक। नोक जोक यार जोर बहुत आ रहे गाइस। मैं ना कल के लिए आज ही ना प्रिपेयर हो रही हूँ। नेल पेंट आज नहीं लगाऊंगी मैं, कल ही लगाऊंगी जिससे क्या रहेगा ताजा रहेगा। अभी बस रिमूव कर लेती हूँ सारी नेल पेंट। पता मेरा पूजली लाल ना काटू तो पिंक आवर, पिंक ना काटू तो येलो आवे, तीनों शेड आ गया साफ करता करता ही। मेरे को ये वाला है ना रेड गाइज है ना, मुझे जो रेड कलर होता है ना उसमें ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइज ये आपको दिख नहीं रहा है, क्या करें कैमरे की वजह से दिखा नहीं पा रहे ओरिजिनल चीज। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला डार्क रेड है एकदम डार्क चटक। रोटी का दिखा सी है बता दो तेरी रिमूवर ने रटार। तो गाइस दिन के 1 बज रहे हैं शायद, दोपहर के 1 बज रहे। दिखा क्या अभी जा तू। कितना बज रहे बता। साढ़े ग्यारह भी गाइस बजे नहीं है अभी तक, बजने वाले 15 मिनट बाद में। 11:15 हुई है और जाके दिखा 1 बज रही है। भूखा मार दी है टेक्या का मेकअप रिमूवर लगा में। अब देख मेरा हाथ तो मेरे हाथ से ना कि पूजा ना वो थीनर की बदबू आएगी, तो एक काम कर आटा लगा दे। कोई बात नहीं हम खा लेंगे टेंशन मत लो। तो गाइस आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कैसे रोटियां बनाती है प्रीति। नहीं गाइस आज मैं दिखाऊंगी पूजा को बनाते हैं। नहीं नहीं आज मैं प्रीति को दिखाऊंगी। तो तू कद करेगी
तो तू जाओगी जिना करंगा ना जद कुण आओगो। सही कह रही है। चलो खाना तो मैं बना ही देती हूँ क्योंकि रीश वाला पापा भी आ जाओगा ना, बिकेगा इतनी देर के करिया। तो पैकिंग वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, अब फटाफट से मैं बना देती हूँ खाना और फिर उसके बाद में मुझे निकलना भी है। नीचा का भी कॉल आ गया, वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, उनको भी कुछ चूड़ियाँ वगैरह लेके आनी है और उनको भी हेयर स्पा करवाना है, मुझे भी करवाना है। तो सारी चीजें आपको वो मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट डे 10 बजे। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।